हेलो एवरीवन, यहाँ पर देखिए हम सम बेसिक क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि बहुत इजी ट्रिक से भी आप कर सकते हैं और अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हैं तो टाइम टेकिंग होता है। तो कैसे डिवाइड करना है मोनोमियल्स को, यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट टिक का मेथड यूज करेंगे। पहले हम ये दिखाते हैं कि आप जनरली लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या है, ए की पावर 5 है और ए की पावर 3 है। तो मोस्टली कुछ लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ए की पावर 5 टाइम लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और यहाँ पे क्या है, ए की पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए। अब डिवाइड करना है तो हमारा कितने 3 जो है ए कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ए की स्क्वायर बचेगा। यही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन ए है तो हम क्या लिखेंगे, ए और पावर 5 है और -3 कर देंगे तो हमारा आंसर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा 10b स्क्वायर है, 5b की पावर 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से 2 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 10 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए, b की पावर 4 है और b की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2b जो है हमारा कट हो गया, बचा 2। तो b 4 माइनस कर दिया 2 से तो कितना बचा, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/b की पावर 2। ठीक है, तो इसी तरह ये भी देखिए क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे देखिए 6x² y 2xy³ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर को डिवाइड कर देते हैं, 2, 3 + 6 हो गया। अब देखिए हमारा x कॉमन है तो 1x चला गया, तो हमारा 2 में से 1 गया, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो हमारा क्या आ गया, 3 और 1x। ओके, क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो गया। अब इसी तरह यहाँ y³ है तो, और यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 3 में से 1 गए तो बचा क्या हमारा, y² यही हमारा आंसर हो गया, y² बचेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन देखिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12ab² c³ और 3a² bc। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, नंबर कट करेंगे, 3 4 = 12। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, अब यहाँ हमारा कॉमन क्या है, a और a, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, 1 ही होता है सिंपली। तो 2 में से यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1a। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, b² है और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, मतलब 2b में से 1 माइनस करेंगे, ये b तो हमारा कॉमन है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा ऊपर, b। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे c है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो c भी कॉमन है, 3 में से 1 गए तो कितना बचा, 2, तो हमारा क्या बचेगा, c² ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह आप शॉर्ट टिक का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके शॉर्ट टिक का यूज कीजिएगा, लॉन्ग मेथड से नहीं। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट टिक के लिए आप दयाल एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए।